नहीं कचहरी में कभी बात हुई भाई, उनको भी ठीक लगा था से भाई आया तो कुछ अब इस टाइम इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी वीरान कर गए। साथियों एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ, उन्होंने कहा था कि किसान अब तू अपनी कमान खुद संभाल ले। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत वीरता पुरस्कार से सम्मान भाई आप लोग आगे 71 साल और जो जोश था आपका दिल्ली पुलिस के सामने, जब जवान मारा मारे तो मारा जोश नहीं आता। हम किसान हाँ सारिया जोशों का काम करा, जब हम जोश भूल जाएंगे फिर हमारा काम कैसे चलेगा, और आगे भी नहीं चलते रहेंगे, पीछे नहीं हटाएंगे। ये सम्मान सराहनीय है, आगे की जो पॉलिसी है अभी एक घंटे बाद में यहाँ पे बड़ा डिक्लेरेशन होना है, जो आगे की जो आंदोलन की रणनीति होगी, गन्ने पे क्या समस्या है, शुगर मिल चल नहीं रही है, सम्मान समारोह के साथ साथ आगे की रणनीति भी यहाँ पे अभी कार्यकारिणी ने तय कर लिया, और ये सम्मान समारोह होने के बाद में आगे की रणनीति यहाँ पर तय कर जाएगी, अभी उसका खुलासा अभी आपके बीच में होगा। किस तरह की रणनीति होगी, किस किन मुद्दों को लेकर? और रणनीति तो आंदोलन की होगी, किसान यूनियन तो और कहीं की रणनीति, और क्या बैंड बाजा थोड़ा बजेगा। देखो होता क्या है इन मामलों में कि इसमें ये पूर्ण रूप से पुलिस और प्रशासन से इस तरह की घटनाएं होती है, भाई कहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है, क्या हो रहा है, जो लोकल प्रशासन इंटेलिजेंस वो क्या कर रही है, पब्लिक को तो ज़्यादा पता नहीं रहता, लेकिन आम जो रहता है वहाँ का लोकल प्रशासन, उसकी जिम्मेदारी होती है कि भीड़ कितनी आती है, भीड़ कहाँ तक जाती है, और इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं वे कहाँ पर होंगे, उसकी परमिशन ली नहीं दी, अगर वे कर रहे तो पूर्ण रूप से लीगल थे। और जो बड़ा हादसा वहाँ पे हुआ है वो पूर्ण रूप से टीवी और उसके माध्यम से भी आम आदमी ने देखा है, तो इससे दुखद घटना नहीं हो सकती कि करीब 50 से ज़्यादा लोगों की वहाँ पे कैजुअलिटी हुई, और हमारी डिमांड है सरकार से कि उनको 50-50 लाख रुपए का मुआवजा उन परिवारों को दिया जाए, और इसकी एक उच्च स्तरीय जाँच इसकी, और आगे इस तरह की घटनाएँ ना हो तो उसके लिए पूर्ण रूप से सावधान रहने की ज़रूरत है, और जो लोकल पुलिस प्रशासन इंटेलिजेंस है वे अपना काम ठीक उससे नहीं कर रहे, इससे यही साबित होता है।